न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। मेरे एक दोस्त है, वलसाड़ में रहते हैं, अखिल सुतरिया उनका नाम है और वो इंटरनेट पे एक चैनल चलाते हैं। वो गुजरात के दौरे पे थे, बड़ौदा आए, बड़ौदा मुझे मिले, मेरी ऑफिस पर आए और फिर उन्होंने कैमरा निकाला और कहा, जीतू भाई मैं आपका एक 4 मिनट का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, 2 सवाल है मेरे, आपको 4 मिनट में जवाब देने हैं। और उन्होंने 2 अद्भुत सवाल पूछे। सही बात यह है कि ज्ञान का जो विस्तार है वो सवाल पूछने से होता है। हमारे सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी धार्मिक ग्रंथ की शुरुआत प्रश्न से होती है। गीता की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछता रहता है, कृष्ण जवाब देते हैं, वही गीता है। गीता अर्जुन की क्यूरियोसिटी का नतीजा है। अर्जुन जो जानना चाहता था भगवान से, उसका नतीजा है। हमारे हरेक उपनिषद प्रश्न से शुरू होते हैं। इन्होंने जो दो प्रश्न पूछे वो बड़े अद्भुत थे। अखिल भाई ने पूछा कि जीतू भाई मेरा पहला प्रश्न है, जीवन क्या है? बिल्कुल मैं बैठ गया था, माइक लग गया था, मैंने सोचा कोई राजकीय सवाल होंगे या सामाजिक सवाल होंगे, पर उन्होंने बहुत गहराई वाला सवाल पूछा कि जीतू भाई जीवन क्या है। हमें भी ये सवाल हमेशा सोचना चाहिए कि जीवन क्या है। तो हमारी जो आज की व्याख्या है जीवन की, वो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की जो यात्रा है, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे कोई पौधे की हो, चाहे कोई जानवर की हो, किसी की भी हो, जीवन जब वो पैदा होता है, कोई संस्था भी है जो पैदा होती है तब से वो बिखर जाती है, वहां तक की जो यात्रा है उसे जीवन कहते हैं। अचानक सवाल आया था मेरे मन में, अचानक जवाब भी आया और थोड़ा अलग जवाब आया। जीवन क्या है? मेरा जवाब है, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु तक की जो यात्रा है वो जीवन है। जब हम यह व्याख्या करते हैं कि जन्म से मृत्यु तक का जो समय पटल है वो जीवन है, तब बात ये आ जाती है कि जिंदगी जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तो समाप्ति जो है वो मृत्यु पर हो जाती है। हमारा पूरा जो सोच है, हमारी जो पूरी थिंकिंग है, वो हमें बार बार, हर रोज, हर दिन मृत्यु की याद दिलाती है, जबकि जीवन मृत्यु नहीं है। मैंने जो व्याख्या की वो ये व्याख्या है कि एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु तक की जो यात्रा है
जो समय पटल है वो जीवन है, वो जिंदगी है। ये जो व्याख्या आप स्वीकार कर लेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बदलाव क्या है? जीवन से मृत्यु तक की यात्रा में बात मृत्यु पे आ जाती है, रुक जाती है, और फिर बाद में नए जन्म की बात आती है। जबकि आप ये मान लेते हैं कि जीवन जो है वो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु तक की यात्रा है, तो जीवन जो है वो उस पर फोकस हो जाता है, जीवन बीच में आ जाता है, जीना केंद्रित केंद्र में आ जाता है। जब कोई आदमी मरता है, कोई व्यक्ति मरती है, एग्जिट कर जाती है, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे जीवन के लिए हो सकती है, वो व्यक्ति के जीवन के लिए हो सकती है, मगर कुदरत में वो सिर्फ एग्जिट और एंट्री की बात है। आप एक कोई बड़े महल में है रहते हैं और एक रूम है, सेंटर रूम है, एक दरवाजे से आप वो रूम में प्रवेश करते हैं, वो आपका जन्मदिन है, वो आपका जन्म है। जो सेंटर हॉल है उसमें प्रवेश करना वो आपका जन्म है, और दूसरे द्वार से या वही द्वार से सेंटर हॉल से बाहर निकल जाना वो मृत्यु है। जब आप बाहर निकलते हो, एक रूम से बाहर निकलते हो, तो यकीनन आप दूसरे रूम में प्रवेश करते हो, दूसरी जगह पर प्रवेश कर जाते हो। तो मृत्यु इतना सामान्य है, यहां से जा मृत्यु के समय आप जब अपना शरीर छोड़ देते हो तो आप दूसरी जगह प्रवेश कर जाते हो। तो मैंने कहा कि जीवन जो है वो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु तक है। अब बात बदल जाती है, अब आप जीना, बहना, विकास करना वो आपका सेंटर हो गया, और मृत्यु भी स्वाभाविक हो गया, क्योंकि आपकी यात्रा मृत्यु से शुरू हुई थी और वो मृत्यु पे पूरी हो जाती है। कोई गम की दुख की कोई बात नहीं है, कुछ भी छिड़ता नहीं है, कुछ टूटता नहीं है, बात गहन है, मगर आप इतना समझ लो कि जिंदगी जो है वो मृत्यु पर आकर रुकती नहीं है, मृत्यु के उस पार भी जीना हमेशा के लिए बना रहता है। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और हमारे जितने भी डर है, समाज में जब रहते हैं तो हमें जितनी भी तरह का डर लगता है वो सबके सब डर आखिर में तो मृत्यु का ही डर है। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, वो खो जाएगी तो क्या होगा, वो चली जाएगी तो क्या होगा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं रात दिन सो नहीं पाता हूं, बहुत पैसे कमाए, बहुत मेहनत करके कमाए, अब मैं उसे गंवाना नहीं चाहता, मुझे नींद नहीं आती है, मैं बेचैन रहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये सारी संपत्ति चली जाए। ये संपत्ति चले जाने का जो डर है वो भी यकीनन मृत्यु का डर है। हमें लगता है कि संपत्ति है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बीमार पड़ेंगे तो फिर अच्छे हो जाएंगे, बड़ी बीमारी होगी बड़ा ऑपरेशन करवा लेंगे और जी लेंगे। पैसा जो है वो हमें मृत्यु से बचा लेगा, ये यकीन जो हमें है, विश्वास है, इसके लिए ही ये पैसे की कीमत है। और जब पैसा चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ये दहशत रहती है। तो पैसा जाने का डर भी वास्तव में मृत्यु का ही डर है, आबरू इज्जत जाने का डर भी वास्तव में मृत्यु का ही डर है,
होता क्या है, आपने बहुत मेहनत करके सालों तक अच्छे आदमी अच्छे सिटीजन बनके एक इज्जत शोहरत कमाई है। एक औरत खड़ी हो जाती है, आप पे इल्जाम लगाती है, आपकी पत्नी खड़ी हो जाती है, कहते हैं कि ये जो मेरा पति है वो दरिंदा है, मुझे इस तरह पीटता था, मेरे साथ ये बर्ताव करता था, ये आदमी अच्छा नहीं है। आप सोचते हैं कि ये बात फैल जाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और मेरे लिए तो इज्जत ही जीवन है, इज्जत चली गई तो मैं मर जाऊंगा। तो आप डरते हैं इज्जत जाने, इज्जत चली जाने से, क्योंकि आपने इज्जत को जिंदगी बना लिया है और बेइज्जत को मौत मान रहे हो। तो आखिर में सब जेल जाने का जो डर है वो भी उसी से पैदा होता है, मृत्यु से पैदा होता है। कट जाऊंगा, किसी को मिल नहीं पाऊंगा, पत्नी बच्चे संपत्ति संसार सबसे मैं बिछड़ जाऊंगा, जैसे मृत्यु के बाद बिछड़ता हूं, जेल में जाने से भी ऐसे ही बिछड़ जाऊंगा। यही बात आपको जेल से डराती है। तो जब आप सोचते हैं कि जीवन का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तब आप डरे हुए रहते हो, सहमे हुए रहते हो, आप खिल नहीं पाते हो। और जब आप सोचते हो कि जीवन जो है वो एक मृत्यु से लेकर दूसरी मृत्यु तक की यात्रा है, तो फिर सब बात बदल जाती है। फिर आप जीवन के बारे में सोचोगे, फिर आप विकसित होने के बारे में सोचोगे। आपका लक्ष्य अब मृत्यु नहीं रहा, अब आपका लक्ष्य जीना हो गया। इतनी ही बात मैं बहुत शॉर्ट में उनको मैंने बताई थी, 2 मिनट में बताई थी, क्योंकि 4 मिनट में दो जवाब देने थे। मगर फिर ये बात आगे बढ़ी, इसी बात पे मुझे एक सवाल खड़ा हुआ कि मृत्यु निश्चित ही है, तो ये महामृत्युंजय जब क्या है? अब हमारे शास्त्रों में 2 महामृत्युंजय जब दिए हुए हैं, और कहा गया है कि मार्कंड ऋषि इसी जप को करते हुए भगवान शंकर से लिपट गए, मृत्यु टल गई। मगर हम देखते हैं कि कोई बीमार है, हम जो ब्राह्मण है उससे जप करवाते हैं या खुद करते हैं और आशा रखते हैं कि वो बीमारी दूर हो जाएगी। मगर मैंने सुना कि हमारे बहुत नजदीक के एक रिश्तेदार ने अपने लिए एक ब्राह्मण को बिठाया था, वो बीमार थे, महामृत्युंजय करने के लिए लाखों महामृत्युंजय करवाने थे, वो ब्राह्मण ही गुजर गया जो महामृत्युंजय जप करता था इनके लिए। जब उन्होंने सुना कि मेरे महामृत्युंजय जप करने वाला ब्राह्मण गुजर गया है, उन्होंने बिल्कुल आशा गवा दी और कहा देखो मेरे लिए वो गुजर गया ताकि मेरी जिंदगी पूरी हो जाए, अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा। वो 1-2 दिन में गुजर गए। तो महामृत्युंजय जाप करने वाला ब्राह्मण भी गुजर जाता है, तो फिर ये महामृत्युंजय है क्या? कोई गलत बात तो लिखी नहीं होती अपने शास्त्रों में? तो समझने जैसी बात है, ये मंत्र करने से कोई अमर नहीं हो जाता। 7 अमर व्यक्ति है, उससे सिवाय कोई 8वां व्यक्ति बचा नहीं। राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, जीसस नहीं बचे, बुद्ध नहीं बचे, महावीर नहीं बचे, कोई बचा नहीं, कोई बचेगा नहीं। तो फर्क क्या है, महामृत्युंजय जब करने से होता क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि जब मृत्यु आके आपको जबरन झपट लेता है, आपको जाना नहीं है और यमराज जो है वो आपको ले जा रहे हैं, तो वो मृत्यु है, आप नहीं जाना चाहते। देखा है कि पूरे शरीर में 10 रोग लेके बैठा है बुढ़ा 90 साल का, और वो जाता है कि मेरे बेटे के बेटे की शादी हो जाए। अब वो जो जाना नहीं चाहता और मृत्यु ले जाती है, वो मृत्यु है। और जब मृत्यु आती है, किसी भी रूप में आएगी, वो आए और आप आगे हाथ बढ़ा के उससे सेकंड करें, उसे प्रणाम करें और कहे कि चलो दोस्त, मैं आने को तैयार ही बैठा हूं, और आप इसके साथ चले जाए, बेझिझक चले जाए, तो वो महामृत्यु है। वो मृत्यु के उस पार जाने की घटना है, फिर आपकी मौत नहीं होती। तो बात सिंपल सी है,
कि मृत्यु का डर निकालना है तो आप मृत्यु को एक्सेप्ट कर लो, आने ही वाला है, और आप एक ही ख्वाहिश रखो, जब भी मौत आवे आएगी मैं हंसता हुआ चला जाऊंगा। तो ये बात जीवन और मृत्यु की थी। और उन्होंने फिर दूसरा एक सवाल पूछा कि जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो सुखमय है या दुखमय है या सिर्फ दुखमय है, और आपका आपका क्या, आप अपने जिंदगी के बारे में क्या कहोगे, वो सुखमय थी या दुखमय थी? बहुत सुंदर सवाल है ये, बात थोड़ी समझने जैसी है। मैं उसे उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गरुड़ेश्वर जो है, सरदार सरोवर डैम है, वहां से भरूच तक की जो नर्मदा मैया है वो 90 किलोमीटर की है। समझ लो अपने जीवन के 90 साल की तरह है वो। अब अपनी जिंदगी भी नदी की तरह बहती है, कोई रेल की पटरी पे जा रही रेल की तरह सीधी सीधी नहीं चली जाती है। अपने जीवन जो है, अपना जीवन जो है वो नदी की तरह जाता है, कभी उछलता है, कूदता है, भागता है, रुक जाता है, बदल जाता है, प्रवाह पलट दिए जाते हैं, कभी पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, नदी तोड़ देती है, पहाड़ तोड़ देती है, और कभी छोटी सी भी दिक्कत आती है तो बदल के चली जाती है। हमारी जिंदगी ऐसी ही जाती है। अब आप दो तरह से, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा मैया है, सरदार सरोवर डैम से भरूच तक 90 किलोमीटर की, वो आप दो तरह से पार कर सकते हैं। या तो आप डैम से नर्मदा जी में उतरिए और भरूच तक तैरते चले जाइए, या आप भरूच से नर्मदा नदी में उतरिए और गरुड़ेश्वर तक या डैम तक तैर के चले जाइए। अब बारिश की सीजन है, भारी प्रवाह से नर्मदा जी बहती है, और आपको दो चॉइस है। एक ये है कि आप डैम से नदी में उतरिए, वो बड़ी अच्छी वाली एक ट्यूब लगी हुई है, भगवान के नाम की, ईश्वर के नाम की, कुदरत के नाम की, वो ट्यूब पे आप पड़े, आप बैठे रहे, वो ट्यूब आपको गरुड़ेश्वर से भरूच तक ले जाएगी। ये एक यात्रा है। और दूसरी यात्रा है कि आप भरूच से इतनी जोश से, इतने दबाव से नर्मदा जी बह रही है, इतनी फोर्सफुली बह रही है, उसके सामने आप तैरते तैरते ये 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें। भारी कष्टदायी यात्रा होगी अगर आप भरूच से बैठे नर्मदा जी में उतर कर डैम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि प्रवाह के सामने आपको उतरना है। अब दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक होते हैं जो अपने जीवन को ईश्वर को, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, भगवान को, गॉड को, खुदा को समर्पित कर देते हैं। वो गरुड़ेश्वर से नर्मदा जी में उतरते हैं, डैम से नर्मदा जी में उतरते हैं, बहते हुए प्रवाह के साथ जीवन को जाने देते हैं, जो होता है वो एंजॉय करते रहते हैं। कहीं रुक भी गए तो वहां भी वो एंजॉय कर रहे हैं, कभी पानी भी पी लिया तो भी वो एंजॉय कर रहे हैं। तकलीफें तो वहां भी है मगर बहुत कम है। और आप देखेंगे कि ये 90 किलोमीटर का अंतर आप एक दिन में, आधे दिन में या दो दिन में पार करके भरूच पहुंच जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ईश्वर का, ईश्वर के नाम की जो रबर की जो ट्यूब लगी है, बस उस पर या तो आप सोते रहते हो, लेटे रहे हो, आप बैठे रहे। और दूसरे है, ये ईश्वर परायण व्यक्ति है, कुदरत को जो अधीन हो गए हैं, उसका जीवन ऐसे ही सुखमय है, तो उनके जीवन में कोई बड़ी तकलीफ नहीं आती है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट मानते हैं, श्रम करना मानते हैं, वो चाहते हैं कि कर्म से ही सब कुछ मिल जाए, वो मानते हैं कि हम ही सब करेंगे, प्लानिंग हमारा होगा, आयोजन हमारा होगा, हम उसका लेआउट भी हम बनाएंगे, उसकी बिल्डिंग भी हम बना देंगे, हमारी इच्छा के अनुसार सब होगा, हम चाहेंगे वैसा करेंगे।
हम मानते हैं कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, बस हम ही है, जो करना है वो हमें ही करना है, हमारे प्रयासों से हमें सफलता चाहिए। और वो भरूच से नदी में उतरते हैं, इतनी भारी नदी, इतना बड़ा प्रवाह, इतनी जोशों भरी नदी के सामने तैरते हुए वो गरुड़ेश्वर जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक महीने में भी नहीं जा पाए, दो महीने में भी नहीं जा पाए, हो सकता है कि ज्यादातर वो डूब ही जाए, हो सकता है कि एक दिन वो 4-5-10 किलोमीटर सफर भी कर ले, वो खुश हो रहे हैं कि आज मैंने बहुत सफर कर ली, मगर उनका जीवन जो है वो दुखमय है, संघर्षमय है, क्योंकि वो कुदरत के खिलाफ, भगवान ईश्वर खुदा के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं। मिल सकती है सफलता, मिली भी है, बहुत सारे लोगों ने सफलता पाई है, अपनी इच्छा से उन्होंने साम्राज्य खड़े किए हैं, मगर वो भी आप समझ ले कितनी देर टिकते हैं, वो इतनी ही देर टिकते हैं जितनी देर आप पानी पे कुछ लिखने का प्रयास करें। आप पानी पे अप्सरा लिखना चाहते हैं, अ लिखते हैं, प लिखने जाते हैं तो अ मिट जाता है। तो मैंने कहा कि मेरा नजरिया ये है कि आप सब ईश्वर पे छोड़ दे, कुदरत पे छोड़ दे, जिंदगी जहां भी ले जाए वहां बहते जाए, थोड़े प्रयास करना है जरूर करें, थोड़ी दिशा भी आप तय करें, कोई सवाल नहीं है। आपको नदी में दिखाई दे दे कि ये शॉर्टकट है, मैं थोड़ा इधर से चला जाऊंगा, जल्दी चला जाऊंगा, आप थोड़े हाथ पैर मार सकते हैं, मगर आपको नदी के प्रवाह के साथ बहना है। मैं जमाने के प्रवाह के साथ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कुदरत के प्रवाह के साथ बहना है। कुदरत के प्रवाह के साथ बहते बहते आप जमाने से भी उलट जाए, जमाने से लड़ पड़े, जमाना जो कर रहा है उससे और ही दिशा में काम करें। मेरा इशारा जमाने से, समाज से नहीं है, मेरा इशारा है भगवान से। भगवान चाहते हैं वैसा जीवन जीता है, उसे ज्यादा तकलीफें तो नहीं होती, होती है तकलीफें, मगर इतनी तकलीफें नहीं होती जितनी कोई अहमवादी जो ठान लेता है कि पूरा नजरिया मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी, मेरे देश की जिंदगी जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही मैं बनाऊंगा, उसके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। तो ये दो सवाल अखिल भाई ने मुझे पूछे, बहुत आनंद हुआ, 4 मिनट में मैंने वो बात पूरी कर दी थी, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। मैंने उनका आभार माना कि आपने मुझे इतने बढ़िया सवाल पूछे, चिंतन करने के लिए इतनी बड़ी संपत्ति दे दी है, मैं पूरी जिंदगी ये दो वाक्य पे विचार कर सकता हूं। आप अपना भी नजरिया देखो, मैं जरूरी नहीं आप मेरे से सहमत हो जाओ, आप भी सोचो कि जिंदगी क्या है, और जिंदगी सुख है, दुख है, या सिर्फ दुख है, सिर्फ सुख है, आप अपने तरीके से भी सोचो। और आप ये भी सोचो कि आपने आज तक जो जीवन जिया है वो कैसे जिया है, ईश्वर के साथ रहते बहते बहते, या कुदरत के खिलाफ जाके खुद अपने ही पांव पे खड़े रहने की चैलेंज लेके किया है। हो सकता है आपका नजरिया और कुछ और भी हो। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।